आजकल की लाइफ किसी चैलेंज से या चुनौती से कम नहीं है। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे चैलेंज आते होंगे। आप भी शेयर कीजिएगा आपका कौन सा इंटरेस्टिंग चैलेंज है वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। लावा ने मुझे यहाँ पर चैलेंज दिया है कि आपको ये जो फ़ोन्स हैं, यहाँ पर चार लावा ने अपनी जेड सीरीज़ के नए फ़ोन लॉन्च किए, उनको ब्लाइंड फोल्ड यानी आँखें बंद करके जो है वो अनबॉक्स करना है। तो इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा चलो ट्राई ज़रूर करते हैं। आपके लिए यहाँ पर दूसरा चैलेंज ये है, लावा की तरफ से मनी बैक चैलेंज यहाँ पर दिया गया कि अगर आपको Z सीरीज़ के फ़ोन पसंद नहीं आते हैं 30 दिन यूज़ करने के अंदर तो आपके पैसे वापस। जी हाँ, ऐसा चैलेंज जो है वो आज तक कभी भी किसी ने जो है वो नहीं दिया है। तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा और मैं हो जाता हूँ ब्लाइंड। चलो फटाफट से आप जो है बॉक्स ओपन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जो है वो Z60 और Z70 को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो हमारे पास में ये वाला जो है Z60 और ये वाला जो है Z70 है, और हमारा जो नाइफ है वो है यहाँ पर ये रहा। तो फिलहाल यहाँ पर एक रैपर लगा हुआ है इसके अंदर और इसको जो है ओपन कर लेते हैं। तो फ़ोन यहाँ पर जो है मैंने अनबॉक्स कर लिया है और सबसे पहले जो है Z60 को मैं ले लेता हूँ अपने हाथ के अंदर। और फ़ोन जो है वो काफ़ी लाइट लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो बैटरी है वो अलग से इसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। और पीछे की जो फिनिशिंग है वो मुझे जो है वो अच्छी लग रही फीलिंग। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैट फिनिश है और फ़ोन लाइट वेट लग रहा है। यहाँ पर देखते हैं कि बैटरी इंसर्ट करने के बाद में क्या होगा। यहाँ पर आपको कुछ कैमरा दिखाई दे रहा है, सामने की तरफ एक स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया गया है ये देखिए इस तरह से। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जो है बटन्स होंगे जो कि कैपेसिटिव बटन है ये देखिए यहाँ पर। तो ये था हमारा Z60। अब जो है वो ओपन करते हैं दूसरा बॉक्स। तो ये हमने जो है Z70 को भी जो है वो अनबॉक्स कर लिया है। ये फ़ोन कर लिया मैंने ओपन और सबसे पहले आपको मिलता है फ़ोन। और इस फ़ोन को भी हम जो है बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको जो है फ़ोन मिलता है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, यहाँ पर ये जो है उस कैमरा है और इसकी जो फिनिशिंग है एजेस जो है वो राउंड है यहाँ पर। और इन हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर जो है बढ़िया मुझे लग रही है। चलिए अब जो है वो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ। जो चले तो ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, इसको भी निकाल लेते हैं Z80 को और इसकी भी देख लेते हैं कि इन हैंड फील जो है वो कैसी है। ओहो तो इसके साथ में ही बाहर आ गया। ओए आ जाओ बाहर आ जाओ। तो ये जो है वो फ़ोन है और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी थोड़ी प्रीमियम लग रही है मुझे पुराने वालों से। इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे प्रीमियम लग रही है यहाँ पर Z60 और Z70 से। और ये जो है वो मुझे यहाँ पर बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पर पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल गया है, यहाँ पर ऊपर जो है वो कैमरा है, सामने की तरफ एक स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया गया है, यहाँ पर आपको इन कॉल स्पीकर वगैरह है, यहाँ पर आपको जो है वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। लाइट वेट है सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये है। और बैटरी लगाने के बाद ही मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जो है वो आपको हैवी लगेंगे। अब लास्ट जो है वो यहाँ पर है Z90। अब देख लेते हैं कि Z90 कैसा लगने वाला है। चलिए तो लास्ट पीस शुरू करते हैं। जी हाँ, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो है इसमें मैट फिनिश दी गई है। यहाँ पर आपको जो ऊपर एंटीना बैंड्स दिए गए हैं और इसमें भी आपको यहाँ पर जो है वो हाँ सीधा ऐसे है ना, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल गया यहाँ पर। ये जो है वो डुअल कैमरा है इसके अंदर। जी हाँ, दो कैमरे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, साथ में एक फ्लैश है। जो मेन एक्सपीरियंस है यहाँ पर आंखें बंद करके अनबॉक्सिंग करने वाला वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और यहाँ पर जो फील है हाथों में वो मुझे जो है वो बढ़िया लग रही है। और सभी के सभी जो है लाइट वेट हैं, इतने हैवी नहीं है जबकि हमको बहुत सारे फ़ोन जो है बल्कि लगते हैं। और इसको हम यहाँ पर जो निकाल देते हैं। तो ये तो था ब्लाइंड फोल्ड पार्ट। अब जरा आँखें खोल के देख लेते हैं कि ये सब कैसे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लावा के Z90 वाले फ़ोन की। इसमें आपको जो की हाइलाइट्स है वो यहाँ पर इसका जो है वो डुअल कैमरा दिया गया है, यानी कि 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर बोके मोड दे देता है रियर के अंदर। साथ ही साथ में जो फ्रंट कैमरा दिया गया है वो भी आपको यहाँ पर बोके मोड देने में सक्षम है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें मिल जाता है यहाँ पर आपको, जो कि हम चला के देखते हैं अभी। और साथ साथ में यहाँ पर आपको 2 SIM प्लस SD कार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। 10,750 रुपये कीमत है, 3 GB की रैम, 32 GB मेमोरी दी गई है। इंटरफेस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्मूथ है यहाँ पर और रिस्पॉन्सिव है स्क्रीन, इस तरह से आप देख लीजिए। सेटिंग में दिखाया था आपको
जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो कौन सा है यहाँ पर आपको दिख रहा है, एंड्रॉइड 7.0। जो यूज़र इंटरफेस है यहाँ पर इन्होंने खुद का अपना जो है वो यूज़ किया है। 3000 mAh की बैटरी है तो वो भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ इसमें जो आपको 5 GHz का बैंड है वो भी यहाँ पर सपोर्ट कर लेता है। जो कैमरा है वो आपको दिखा देते हैं कि डुअल कैमरा मोड जो किस तरह से काम करता है। आपको जाना है यहाँ पर कैमरा के अंदर, और कैमरा में जैसे ही आप ब्यूटी मोड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा आता है कि शूटिंग विद इन 1.5 मीटर जो है वो पोर्ट्रेट इसको बना देता है। तो जैसे मैं इसको अपने फेस के ऊपर लेके आता हूँ, ये जो है वो पोर्ट्रेट में इसको बना देता है। एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फोटो आप देखते हैं इंस्टेंटली यहाँ पर ली है हमने और किस तरह से वो क्वालिटी मिली है। और जो एक्सपोजर का लेवल है वो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर, हालांकि हल्की हल्की ब्यूटिफिकेशन मोड भी किया गया तो जो ऐसा नहीं लग रहा कि अननेचुरल है, जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है वो भी यहाँ पर बढ़िया मिला। और पीछे की तरफ देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको जो है वो ब्लर्ड मिल रहा है। तो ये एक अच्छा फीचर है यहाँ पर इनके कैमरा का। ये देखिए इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है फेस ट्रैकिंग दी गई है, आप किसी भी एंगल से लेके जाइए फेस को ट्रैक करता है और उसके बाद में आपकी बॉडी के ऊपर जो है ब्लर नहीं करता है। पीछे आप यहाँ पर देखेंगे तो चेयर को भी हल्का सा ब्लर किया और हल्का सा इसने जो है वो छोड़ दिया है, तो ब्लैक यहाँ पर जो है वो मिक्स हो गया है। ये वाली जो पिक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके रियर कैमरा से ली गई है, तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा में भी जो है पोर्ट्रेट मोड का इफेक्ट मिल जाता है। इस तरह से आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ आपको दिए क्वालिटी। अगर फेस पे आप बात करेंगे तो आपको जो है नेचुरल लगती है, ब्यूटिफिकेशन मोड भी हल्का हल्का दिया गया है, तो पिक्चर जो है वो थोड़ी रियलिस्टिक लगती है, ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही जो है वो फेक या फिर डुप्लीकेट लगती है। अगर आप देखें हॉरिजॉन्टल में तो उस केस में भी आप देख सकते हैं मेरी जो बॉडी है उसके ऊपर बिल्कुल फोकस है यहाँ पर, और बाकी सब जो है वो ब्लर कर दिया गया, चाहे वो टेबल हो या फिर पीछे के चीज़ें हों। और खास बात यह है कि ये जो फोन्स हैं सारे के सारे मेड इन इंडिया यहाँ पर बनाए गए हैं। Z80 जो फ़ोन है वो कुछ इस तरह से आपको मिलता है यहाँ पर, ब्लैक कलर में दिया गया है। बैटरी यहाँ पर जो है इसमें अलग से मिलती है, तो बॉक्स में आपको दिखाया था क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है। साथ में यहाँ पर एक बैटरी दी गई है जो कि 2500 mAh की आपको मिलती है। साथ में आपको एक स्क्रीन गार्ड दिया गया है और एक बैक कवर दिया गया है, चार्जर है, और इसमें आपको जो है वो एक ईयरफोन भी दिया गया है। ईयरफोन जो है वो नॉर्मल टाइप के मिलते हैं। Z70 वाला फ़ोन जो है वो लुक में काफ़ी प्रीमियम लगता है। आप देखिए यहाँ पर आपको जो राउंड एजेस दिए गए हैं और देखकर मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये फील तो काफ़ी अच्छी आ रही थी लेकिन देखने के बाद और भी बढ़िया लग रहा है। एक प्रीमियम फिनिशिंग जो है यहाँ पर आपको मिलती है। क्लोजर लुक आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं अलग से, जिससे आपको बेटर आइडिया आ जाएगा। सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैमरा दिया गया है, फ्लैश दी गई है। ऐसा नहीं लगता कि ये जो है वो सिर्फ 8000 रुपये का फ़ोन है, काफ़ी आपको बढ़िया लुक दे देता है यहाँ पर। 5 MP का इसमें जो आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है, रैम की बात करें तो 2 GB की है और 16 GB की मेमोरी मिल जाती है। 8 MP का इसमें आपको जो है वो ऑटो फोकस वाला कैमरा दिया गया है, फ्लैश के साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी यहाँ पर जो है वो प्लस पॉइंट है। Z70 के बॉक्स में आपको यहाँ पर जो है वो कवर मिलता है, एक स्क्रीन गार्ड मिलता है और सेम तरह की एक्सेसरीज आपको इसमें यहाँ पर दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले फ़ोन की, जो था हमारा Z60। कीमत है 5500 रुपये। तो ये जो फ़ोन है सबसे बजट सेगमेंट का फ़ोन है। इसमें आपको डुअल बोके मोड मिलता है, सामने की तरफ वाले कैमरा में और पीछे की तरफ वाले कैमरा में। कैमरा जो है वो 5 MP का दिया गया है रियर में ऑटो फोकस के साथ, और सामने की तरफ आपको दिया गया है 5 MP कैमरा फ्लैश आईडी स्पॉटलाइट फ्लैश के साथ में। 1 GB की रैम है, 16 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, और जो स्क्रीन है वो 5 इंच की IPS डिस्प्ले वाली दी गई है 2.5D कर्व ग्लास के साथ में। बैटरी की बात करें तो 2500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि इस फ़ोन को काफ़ी पावरफुल बना देती है इस सेगमेंट के अंदर। बॉक्स कंटेंट के अंदर आपको यहाँ पर जो है 2500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर, और एक स्क्रीन गार्ड दिया गया है, साथ साथ में एक बैक कवर भी दिया गया है। तो बैक कवर और स्क्रीन गार्ड आज की तारीख में काफ़ी ज़रूरी जो है वो हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक जो है वो ईयरफोन दिया गया है जो कि इन द ईयर टाइप का है एक बजट सेगमेंट के फ़ोन के अंदर। साथ में एक USB चार्जिंग केबल है, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक चार्जर मिलता है जिसकी रेटिंग जो है वो 5V 1 A की दी गई है। Z60 के अंदर आपको यहाँ पर जो है देख सकते किस तरह से फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पर आपको जो स्पीकर दिया गया है, ऊपर की तरफ आपको कैमरा है, ऊपर की तरफ आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया चार्जिंग के लिए, 3mm जैक दिया गया है। राइट साइड में आपको जो है वो पावर बटन वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर वेंट दिया गया है इसको बैक कवर को ओपन करने के लिए, जहाँ पर आप बैटरी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो बैटरी यहाँ पर लगेगी और इसमें डुअल सिम का सपोर्ट है। यहाँ पर आप एक माइक्रो सिम लगा सकते हैं, यहाँ पर एक नैनो सिम लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। फ़ोन जो है हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं लावा लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे ही स्टार्ट हो जाता है मैं आपको और दिखा देता हूँ। पावर्ड बाय एंड्रॉइड यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, और बैटरी के साथ में इसका जो वजन है वो काफ़ी लाइट है, ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी बल्कि जो है वो हो गया। तो Z60 हमने यहाँ पर जो है सेटअप कर लिया। आप देख सकते हैं इंटरफेस कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मिलता है। फ़ोन मैसेजेस कैमरा वगैरह आपको यहाँ पर दिए गए हैं, हाइक है, गूगल के सारी एप्लीकेशन इसमें आपको मिल जाती हैं। सेटिंग में चल लेते हैं, सेटिंग में देख लेते हैं किस तरह से आपको इंटरफेस दिया गया है। यहाँ पर आपको अबाउट में दिखाया था एंड्रॉइड का 7.0 आपको मिल जाता है यहाँ पर, जो कि एक अच्छी बात है ताकि आपको लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट मिला हुआ है। लेटेस्ट फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। 1 GB की रैम दी गई है, 5500 रुपये का फ़ोन है तो 1 GB की रैम है और 16 GB है तो यहाँ पर ओके है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं और फीचर्स की, तो लोकेशन, GPS, सिक्योरिटी वगैरह सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। कैमरा की बात कर लेते हैं तो कैमरा
कैमरा की सेल्फी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। फोन के अंदर आपको जो है वो रियल टाइम बोके इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो है फोटो लिए यहाँ पर, तो आप देखते हैं बिल्कुल बोके में है, और जब आप फोन को चलाते हैं तो आपको रियल टाइम बोके जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर एक खास बात है। और जो इसका फोटो है वो इतना यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है वो अननेचुरल है, हालांकि सॉफ्टवेयर से किया गया है, इफेक्ट काफ़ी बढ़िया इसमें देखने को मिल रहा है। लाइट इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपने देखे कि Z सीरीज़ के फ़ोन आपको किस तरह से यहाँ पर मिलते हैं। क्विक रिकैप लेते हैं सभी के सभी फ़ोन्स का। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 5,500 रुपये से लेकर लगभग 11,000 रुपये तक आपको फ़ोन मिलते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सभी के सभी फ़ोन्स यहाँ पर आपको एक बजट रेंज के अंदर एक अच्छा फोटोग्राफी एक्सपीरियंस देने वाला बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो Z60 है यहाँ पर 5,500 रुपये की कीमत में आपको जो है वो डूल बोके वाला मोड देता है। पिक्चर्स हम पे हमने आपको दिखाई दिए हैं, तो ये एक यहाँ पर अच्छा फीचर है इसके अंदर। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं Z70 की, तो इसका जो लुक्स है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। आप भी यहाँ पर देख लीजिए एक क्लोजर लुक इसका, जिससे आपको इसकी ब्यूटी का आइडिया आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर Z80 का, जो कि पियानो ब्लैक गोल्ड कलर में आपको मिलता है। अलग ही इसके लुक्स हैं अपने डिज़ाइन में, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया साथ साथ में, और भी पावरफुल स्पेसिफिकेशन में मिल जाती हैं। इसकी जो कीमत है वो लगभग 9,000 रुपये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर जो प्रीमियम फ़ोन है वो है यहाँ पर Z90 डूल कैमरा के साथ में 8+2 मेगापिक्सल, और सामने की तरफ आपको जो है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सारे के सारे फोन्स आपको जो है वो ऑफलाइन मार्केट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, लिंक दिया गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर मैं Z60 मेरा वाला जो फेवरेट फ़ोन है, यहाँ पर मैं 2 फोन गिव अवे देने वाला हूँ। आपको करना है इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट, और आपको बताना है कि इन 4 फोन्स में से आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया और क्यों। जवाब का मुझे इंतजार रहेगा, और सभी के जवाबों में से मैं 2 विनर्स को सेलेक्ट करके ये गिफ्ट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनी बैक चैलेंज के लिए आपको बता दूं कि आप जरूर से इसको ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ सभी फोन्स पे आपको 2 साल की वारंटी मिलती है, यानी कि 2 साल तक आपको इसमें जो है वो सर्विस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो भी यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, सभी के सभी फोन मेड इन इंडिया बनाए गए हैं। देखकर अच्छा लगता है कोई कंपनी यहाँ पर जो मेड इन इंडिया में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है। इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई सवाल हो इन फोन्स के लिए तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। श्यामा जी टेक्निकल के इस वीडियो को देखें बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।